करेंगे। ग्रेटर नोएडा में एक किसान से 1 लाख रुपए की लूट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मामला दनकौर कोतवाली इलाके का है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन को रोकने की कोशिश की और वाहन में सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों ने 4 दिन पहले बैंक से 1 लाख रुपए लेकर घर जा रहे किसान को लूट लिया था। इस समय हम दनकौर बाईपास पर मौजूद हैं। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी, एसीपी, लोकल थाने की फोर्स, सभी लोग यहां मौजूद हैं। और दनकौर थाना क्षेत्र में 27 तारीख को एक लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसमें कुछ बदमाशों ने एक सज्जन से उनको घेर घोट करके उनसे ये पैसे छीन लेते हैं। आज हमारी पुलिस टीम ने थाने की संयुक्त टीम सर्विलांस की टीम के साथ उन्होंने इस पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया है और इसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 लोग एक मोटरसाइकिल पे थे जो बाद में आए, जिनको जब रोकने की कोशिश की गई तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। तब जब इनका पीछा किया गया तो इन्होंने इस बाईपास के पास आकर के अपनी बाइक छोड़ दी और उसके बाद जंगल में भागने लगे। वहाँ पर पुलिस पार्टी ने इनका पीछा किया तो इसमें आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में एक जो बदमाश है सुमित नाम से, उसको पैर में गोली लगी। आगे की इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ज्ञात हुआ है कि इस बदमाश सुमित का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है, जिसके बारे में भी और जानकारी की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।